तो हेलो एंड वेलकम पीपल, स्वागत है सभी लोगों का टाइफून गेमिंग चैनल पर। आज की वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है, कोई स्टोरी टाइप वीडियो नहीं होने वाली है, कुछ भी वीडियो नहीं होने वाले। आज की वीडियो है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज हम लोग कुछ महान लोगों के बारे में बात करने वाले, कुछ महान लोगों के अर्निंग दिखाने वाले। क्योंकि मेरी कॉमेंट में कुछ महान लोगों ने यह बताया कि भाई अगर किसी का सब्सक्राइबर्स बेस कम है और अगर किसी का सब्सक्राइबर्स बेस ज्यादा है तो उन दोनों की अर्निंग में क्या डिफरेंस है। क्या जिसका सब्सक्राइबर्स ज्यादा है वो ज्यादा अर्निंग करेगा, या फिर जिसका कम है और उसका व्यूज या फिर वॉच टाइम ज्यादा आता है वो ज्यादा अर्निंग करेगा। तो उसी बारे में हम टॉपिक के बात करने वाले, लेकिन बात कुछ हम हटके करने वाले। तो आज हम लोग तीन गेम के किंग के बारे में बात करने वाले। पहला गेम GTA 5, दूसरा फ्री फायर, तीसरा पबजी। अभी इन तीनों गेम का नाम सुनने के बाद इनके ऊपर राज करने वाले किंग का भी नाम का याद आप लोगों दिमाग में आ चुका होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, GTA 5 के ऊपर राज करने वाला हमारा अनबन शान टेक्नो गेमर्स, फ्री फायर के ऊपर राज करने वाला टोटल गेमिंग, और पबजी के ऊपर राज करने वाला हम सब का भाई डायनामो भाई। तो आज लो हम लोग देखते चलो कि कौन ज्यादा अर्निंग करता है, कौन क्या, सब कुछ देखते सब कुछ। आज तक उनका मंथली अर्निंग कितना है, अभी तक कितना अर्निंग किया है, और ईयरली अब इनकम कितना है, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे पबजी का, यानी कि हमारा डायनामो भाई का। तो चलो देखते हैं हमारे डायनामो भाई का, उनका मंथली ईयरली वीकली कितना अर्निंग होता है, और उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे टोटल गेमिंग और उसके बाद हमारी टेक्नो गेमर्स का। तो चलो देखते पहले डायनामो भाई का कितना अर्निंग है। तो गाइस अभी हम लोग एक ऐसी वेबसाइट पर हैं जहां पर आपकी सब्सक्राइबर्स काउंट, उसके बाद अर्निंग, उसके बाद सब कुछ लाइव दिखाता है। तो अभी हम लोग देख सकते हो ये डायनामो भाई का जो चैनल का लोगो है वो है, और उसके बाद अभी अगर उनकी सब्सक्राइबर्स बेस की बात करें तो वो है 9.5 मिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है भाई, हमारे लिए तो बहुत ही ऊपर की बात है, बहुत ही ज़्यादा है। और अभी अगर उनकी इस मंथ की अर्निंग की बात करें तो 4.5K से लेकर $72.3K, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है। मैं इंडियन रुपीस में भी करके दिखाता हूँ, अभी रुको। और अगर उनकी 2020 पूरे के पूरे साल की अर्निंग की बात करें तो वो है 54.3K से लेकर $868.1K, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भाई, आप सोच भी नहीं सकते। एक रुपीस यानी कि एक डॉलर इजिकल टू इंडिया का रुपीस में 72 रुपीस होता है, समझ सकते हो, एक डॉलर इजिकल टू 72 रुपीस। तो फिर 868.1K कितना रुपीस होगा, आप समझ सकते हो यार, समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा होगा। तो अभी रुको हम इंडियन रुपीस में भी करके दिखाते हैं। तो गाइस डायनामो भाई की मंथली अर्निंग है 72.3K, तो हम 3K को बाद रखते हैं, सिर्फ 72 पकड़ते। तो अभी रुपीस में कितना होगा पता नहीं यार, तो 72 था मुझे पता है, तो 72 ही पकड़ के चलते हम। उसके बाद 74 हुआ था, उसके बाद 72 हो गया शायद अभी इन जो US डॉलर और इंडियन रुपीस में भाव, तो हम 72 पकड़ के चलते। तो 72 × 72 = अच्छा तो बहुत ज़्यादा होता है, 5 लाख होता है, 5,80,000 टाइप का होता है, तो हम सिर्फ 5 लाख पकड़ते, ठीक है। तो 5 लाख होता है उनकी मंथली अर्निंग। अभी इनकी ईयरली अर्निंग देखते हैं, तो इनकी ईयरली अर्निंग देखते हम, तो इनकी ईयरली अर्निंग जो है वो 868.1, तो 1K को हम साइड में रखते, सिर्फ 868 को पकड़ते, तो 868 × 72 = भाई साहब 72 लाख होता है गाइस। इनकी ईयरली अर्निंग है 72 लाख, हम इनको बाद में रखते भाई, इनको बाद में रखते, 49,600 होता है, पर इनको बाद में रखते, सिर्फ 62 लाख। भाई दिमाग खराब हो गया, तो छोड़ते हैं, अभी तो बाकी है बहुत कुछ देखना। तो अभी हम देखेंगे टोटल गेमिंग का, जो देखने के बाद आपका दिमाग सचमुच खराब होने वाला है, ठीक है ना, आपका दिमाग खराब होने वाला है, तो टोटल गेमिंग का भी देख के जाओ। तो गाइस अभी अगर हम एक मजाक की बात करें ना, मतलब एक क्रास की बात करें ना, तो पबजी वाले भाई लोग, आप लोग बिल्कुल भी मेरे को गाली मत देना कमेंट में, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ ना उसके बाद आप लोगों को बहुत ही बुरा लगने वाला है, लेकिन बुरा लगने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम टोटल गेमिंग की एक मंथ की अर्निंग की बात करें तो वो होता है $1.1 मिलियन होता है, और अगर हम इधर डायनामो गेमिंग का, मतलब डायनामो भाई का साल का बात करें तो 8
168K होता है, मतलब कि 8 लाख होता है, और इधर 1 मिलियन होता है। तो समझ सकते हो उनका एक महीने का अर्निंग उनसे भी ज्यादा होता है जितना उनका एक साल का होता है, समझ रहे हो ना। मतलब डायनामो भाई जितना एक साल में अर्निंग करता है उससे ज्यादा टोटल गेमिंग एक महीने में अर्निंग करता है। तो गाइस बिल्कुल भी कमेंट में बुरा मत बोलना, क्योंकि मैंने जो ही बताया जो सच्ची बात है। तो अगर हम अभी टोटल गेमिंग का एक महीने की बात करें तो वो आप लोगों ने देख लिया 1.1 मिलियन डॉलर होता है। तो अभी अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इतना होगा, तो 1 × 72 = 72 लाख होता है। तो टोटल गेमिंग का एक महीने का अर्निंग होता है 72 लाख। अभी अगर हम टोटल गेमिंग का एक साल की अर्निंग की बात करें तो वो होता है 13.7 मिलियन डॉलर। तो अभी अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मिलियन को हम बाद में रखते हैं, सिर्फ 30 को पकड़ेंगे। तो अगर हम इधर पकड़ेंगे तो यही होगा, तो इधर होगा कितना था 30 × 72 = तो होता है 9 करोड़। तो 9 करोड़ 3 लाख 60 होता है, तो 3 लाख 60 साइड में रखते सिर्फ 9 करोड़ पकड़ते, तो टोटल गेमिंग का साल का अर्निंग है 9 करोड़, जो कि अब बहुत ज्यादा होता है भाई, आप सोच भी नहीं सकते बहुत ज्यादा होता है। 9 करोड़ वो एक साल में अर्निंग करता है, जो कि एक आम बंदे को वो अर्निंग मतलब करने के लिए पूरा जिंदगी चले जाएगी फिर भी 9 करोड़ नहीं कर पाएगा, जो कि वो एक साल में कर लेते हैं। तो अभी हम लोग हमारी आन वान शान और सबकी जान टेक्नो गेमर्स की बात करते हैं। तो टेक्नो गेमर्स की जो अभी सब्सक्राइबर्स है वो 12.1 मिलियन है, उनकी अभी का जो 1 मंथ का अर्निंग है 1.1 है, एकदम टोटल गेमिंग का टाइप का ही है। लेकिन सब्सक्राइबर्स जो है वो देखो उनका देखो आप लोग, टोटल गेमिंग का सब्सक्राइबर्स देखो 8.6 मिलियन, और इधर टेक्नो गेमर्स का देखो 12.1 मिलियन, मतलब कि कितना अंत है, 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गैप है। फिर भी टेक्नो गेमर्स जो है वो टोटल गेमिंग के टाइप का ही अर्निंग कर रहा है, एकदम सेम टू सेम। तो उनका भी था टोटल गेमिंग का था 1.1 मिलियन, और इधर टेक्नो गेमर्स का भी 1.1 मिलियन है, जो कि हम 72 लाख पकड़ सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग तो टेक्नो गेमर्स की साल की अर्निंग की बात करें तो 30.3 मिलियन होता है, और इधर टोटल गेमिंग का भी 30.7 मिलियन था, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का गैप, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख मिलियन का गैप। लेकिन आप सब्सक्राइबर्स का बेस देख सकते हो, अगर आप लोग अभी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि YouTube अभी व्यूज को नहीं देखता है, YouTube अभी सब्सक्राइबर्स को नहीं देखता है, YouTube अभी ये देखता है कि आपके वीडियो में कितने ज्यादा कितने जल्दी व्यूज आ रहे और आपके वीडियो में लोग कितने ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि जितना ज्यादा वॉच टाइम उतना ज्यादा पैसा। तो टेक्नो गेमर्स का सब्सक्राइबर्स कम है पर उनका जो वॉच टाइम है बहुत ही ज्यादा है, और उनका जो व्यूज है वो भी बहुत ही ज्यादा है। अब वो देख सकते हो उन्होंने अब तक 559 वीडियोस अपलोड किया है, और उन वीडियोस में से उनको सब्सक्राइबर्स मिला है 2 बिलियंस, और वो अभी तक उन्होंने जो YouTube का जर्नी है वो 2017 मतलब कि 2017 से शुरू किया था, और इधर टोटल गेमिंग जो है उन्होंने 2018 से शुरू किया था, और उनका भी 2 बिलियन व्यूज अभी तक हो चुका है, और उनका सब्सक्राइबर्स जो है बहुत ही ज्यादा है। लेकिन टेक्नो गेमर्स और टोटल गेमिंग का जो है वार्निंग का अंत आप देख सकते हो। तो आप लोगों के अगर सब्सक्राइबर्स बेस ज्यादा है लेकिन व्यूज कम आ रहे, उसके बाद वर्स्ट टाइम कम आ रहा है, उसके बाद इसके लिए आपको पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन आपका सब्सक्राइबर्स बेस कम है लेकिन आपका वीडियो में बहुत ही ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उसके बाद वर्स्ट टाइम जो है बहुत ही ज्यादा है, तो आपका व्यूज मतलब पैसा जो है बहुत ही ज्यादा होगा। अभी अगर डायनामो गेमिंग का आप देख सकते हो 9.5 मिलियन है, अपलोड वीडियो उन्होंने करीब करीब 1400 वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद अभी अगर उनकी यूट्यूब जर्नी की आप बात करो तो वो 2010 से यूट्यूब पे है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि क्या हो रहा है। तो डायनामो गेमिंग जो पहले था वो तो पहले था, लेकिन अभी तो उनका जो है वो जा चुका है, क्योंकि अभी उनकी बात देखो आप लोग, उनकी जो है वो एक महीने की अभी जो सब्सक्राइबर्स बेस ज्यादा है देख सकते हो, एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 60K सब्सक्राइबर्स उनका ज्यादा हुआ है, और इस महीने में उनका अर्निंग देख सकते हो 72 जो डॉलर है वो हुआ है। अभी अगर टोटल गेमिंग की बात करो तो अभी देखो टोटल गेमिंग का देखो इस एक महीने में 30 डेज में उनका सब्सक्राइबर्स ज्यादा हुआ, कितना हुआ देखो 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनका ज्यादा हुआ। अभी अगर टेक्नो गेमर्स का बात करो तो आप टेक्नो गेमर्स का देख सकते हो
1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनका इस महीने में ज्यादा हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कहां पर डायनो गेमिंग चला जा चुका है। तभी पबजी नहीं है तो पबजी का किंग क्या करेगा, तो बात सोचने की बात है। फिर भी डायनो गेमिंग टोटल गेमिंग इज टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमर्स इज टेक्नो गेमर्स, क्योंकि जो लोग फ्री फायर वाले हैं वो लोग टोटल गेमिंग को देखते हैं लेकिन डायनामो गेमिंग को वो लोग नहीं देखते। अगर अभी जो लोग पबजी वाले हैं वो लोग डायनामो गेमिंग को देखते हैं लेकिन टोटल गेमिंग को कोई नहीं देखता है। यहीं पर अगर हम टेक्नो गेमर्स की बात करें तो टेक्नो गेमर्स को फ्री फायर वाले और पबजी वाले दोनों वाले ही हमारे टेक्नो गेमर्स को देखते हैं, इसीलिए टेक्नो गेमर्स इतना हाई तक जा चुका है और उनका वीडियो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। भाई देखोगे तो देखने का ही मन करेगा, आप हिप्नोटाइज हो जाओगे, अपना दिमाग जो है हिप्नोटाइज होगा, आप वीडियो देखते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं टेक्नो गेमर्स। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ चुका है कि सब्सक्राइबर्स बेस ज्यादा होने से अर्निंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सब्सक्राइबर्स के बेस कम होगा फिर भी अगर वॉच टाइम ज्यादा होगा तो आपका पैसा अर्निंग ज्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी अगर आप लोग चाहते हो कि हम कोई और यूट्यूबर का भी अर्निंग दिखाए, उसका कंपेयर करें किसी और यूट्यूबर में, तो कमेंट में जरूर बताना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और हाँ सायोनारा।